गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 13, जो कि क्या कहते हैं, जैसे कि कल हमने जो लास्ट टाइम है हमने थ्योरम नंबर 12 डिस्कस की थी, प्रूव दैट द आयलर्स इक्वेशन गिवन बाय एक्स डबल डैश टी प्लस के बाय टी स्क्वायर एक्स टी इज इक्वल टू जीरो इज ऑसिलेटरी इफ के इज ग्रेटर देन 1/4 इज नॉन ऑसिलेटरी के इज ग्रेटर देन लेस के इज लेस देन 1/4। आई होप सो आपको अब ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी में डिफरेंस पता लग गया होगा। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट लगाया था कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है और इक्वल टू जीरो होता है तब हमें रियल रूट्स मिलते हैं, एंड जब डी लेस देन जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि लेस देन जीरो होता है, तब हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। व्हेन डी इज लेस देन जीरो वी गॉट इमेजिनरी रूट्स। अब हमारी थ्योरम नंबर 13 है जो आज हमें आज डिस्कस करनी है, लेट एट इज डिफरेंशियल इक्वेशन AT is solution of the differential equation x double dash t plus AT x t is equal to 0, 1 है, is continuous on the interval 0 to infinity and A star t is given by limit t approaches to infinity, supremum of t ft is less than 1/4, where ft is equal to integral t to infinity A s ds, ये हमने पीछे भी किया था, ft इसके इक्वल होता है, हमें प्रूव करना है, then equation 1, ये जो आपके 1 है ये नॉन ऑसिलेटरी है। तो क्लास जो आपके पास, हम इसमें जैसे ये आयलर्स इक्वेशन थी ना x डबल डैश प्लस के टी स्क्वायर बाय एक्स टी, हम यहाँ पर जो है के लाइक ग्रेटर देन 1/4 के लिए ऑसिलेटरी थी और लेस देन 1/4 के लिए नॉन ऑसिलेटरी थी। तो अब आपके पास क्या किया हमने, लेट अस कंसीडर, हमने आयलर्स इक्वेशन कंसीडर करी गिवन बाय x डबल डैश प्लस 1/4 टी स्क्वायर एक्स टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या है, नॉन ऑसिलेटरी है। नॉन ऑसिलेटरी क्यों है, अब कंपेयर करो x डबल डैश प्लस ए टी इसको 1 से, तो ए टी कितना है 1/4 टी स्क्वायर, यानी k कितना है 1/4, और हमें पता है जब k ग्रेटर देन 1/4 होता है तो ऑसिलेटरी लेस देन इक्वल टू 1/4, यानी कि जब 1/4 वैल्यू है तो कैसा होगा, नॉन ऑसिलेटरी। तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन 1 हमने आयलर्स इक्वेशन कंसिडर करी है, ये इक्वेशन 2 ये नॉन ऑसिलेटरी हुई बाय द लास्ट 12th थ्योरम, ठीक है। अब एफ टी ए फंक्शन डिफाइन है, देखिए क्लास एफ टी किसके इक्वल है, यहाँ से एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल टी टू इन्फिनिटी ए एस डी एस। अब हमारे पास ए टी की वैल्यू कितनी है, जो हमने इक्वेशन कंसिडर करी है उसमें ए टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे टर्म्स ऑफ टी। ए टी क्या है क्लास, हमारे पास ए टी है 1/4 टी स्क्वायर, ये यहाँ पे पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एस, वेरिएबल चेंज कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1/4 बाहर आ गया, 1/s स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हुई, हमें इंटीग्रेशन करनी है क्लास, देखिए इंटीग्रल ये टी टू इन्फिनिटी है 1/4 एस स्क्वायर डी एस। हमने यहाँ पर वेरिएबल क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट जो थी टी थी, इसलिए हमने इसको एस में ले लिया है, ये हमारे पास एफ टी है, ठीक है। और ये हमने आयलर्स इक्वेशन जो कंसिडर करी है उससे कंपेयर करके हमारे पास ये ए टी आया है 1/4 टी स्क्वायर, जिसको हमने एस वेरिएबल में लिख लिया क्योंकि आपके पास लोअर लिमिट में टी था, इसलिए 1/4 बाहर आ गया। आपको पता ही है टी की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है t की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, एक पावर ऐड हो जाती है और जो पावर ऐड होकर आया वो डिवाइड में चला जाता है, अगर लिमिट है तो फाइनाइट है तो लिमिट, अदरवाइज प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ लिमिट है, अब 1/s स्क्वायर की क्या होगी इंटीग्रेशन, ये ऊपर चला गया माइनस का 2 हो गया ds, अब इसकी क्या होगी, एक ऐड कर दी वैल्यू, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 ये कितना हो गया माइनस 1 बाय माइनस 1, तो माइनस 1/s हो गया है, ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस 1/s हो गया और ये आ गया है आपके पास t टू इन्फिनिटी, ये तो माइनस 1/4 माइनस बाहर अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो 1/∞ कितना हुआ, 0 हुआ, 0 माइनस के 1/t माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4t ये आपके पास आ गया, यहाँ से देखो ये 0 माइनस 1/t माइनस 1/t माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4t यहाँ से इसके जो है हमारा सॉल्व करके इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। नाउ सिंस इट इज गिवन दैट जो ए स्टार है, आपको ऑलरेडी थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है कि ए स्टार किसके इक्वल है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम टी एफ टी, ये कितना है लेस देन 1/4 है, ठीक है। तो ए स्टार जो है, नाउ इट इज गिवन दैट ए स्टार इज लेस देन 1/4, ठीक है, ए स्टार है किसके इक्वल टी एफ टी, ठीक है, इज लेस देन 1/4 फॉर एवरी टी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल टी, ये टी स्मॉल टी नीचे चला गया तो एफ टी इज लेस देन 1/4 टी, और ये जो 1/4 टी, अब ये देखिए एफ टी यहाँ से कितना आया था 1/4 टी, ये क्या है आपके पास, ये अगर फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल टी, ये यानी कि कैपिटल टी यानी कि टी ग्रेटर देन के लिए ये क्या है एफ टी हिले विंटर, आपके पास ये क्या आ गया एफ टी लेस देन एफ ऑफ टी है। हेले विंटर की थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से ये कहती है कि
कि इक्वेशन वन, अब आपके पास देखिए अगर आप इसकी स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे एलिमेंट में, ये जो मैंने यहां से हमने डिस्कस करी थी, तो इसमें ये कहते हैं कि एफ टी जो कैपिटल एफ ऑफ टी है ये जीरो से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन स्मॉल एफ टी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ से कि ये देखिए क्लास ऑल्सो क्लास, अब आपको ये गिवन है ए स्टार कितना गिवन है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम टी एफ टी, ये गिवन है इट इज लेस देन 1/40 उधर चला गया, तो लिमिट टी अप्रोचेस इन्फिनिटी सुप्रीमम एफ टी इज लेस देन 1/40। सुप्रीमम क्या होता है, बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड ही तो होता है, एलयूबी यानी कि कोई सेट है, सपोज मीटनेस उसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है, तो इसमें सबसे अपर वैल्यू क्या है 3 है, और इससे कोई बड़ी वैल्यू नहीं और ये छोटी भी है अपर बाउंड में, ठीक है। तो एलयूबी इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है ये कितना हुआ 3 हुआ, और इसका इन्फिमम क्या है 1 है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी सबसे छोटी वैल्यू उसमें 1 है, और 1 के अलावा कोई और आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जो कि छोटा है, तो ये आपके पास एलयूबी और लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम सुप्रीमम का कंसेप्ट है। तो कहते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम मान लो कैपिटल एफ ऑफ टी फंक्शन ले लेते हैं, और ये हमें पता है अभी यहाँ से 1/40 की क्या है एफ ऑफ टी की वैल्यू 1/40 आई थी, तो ये क्या है एफ ऑफ टी, ठीक है 1/40, एंड इसका मतलब ये एफ ऑफ टी इज लेस देन 1/40, और तो यही तो कहता है एलिमेंट, तो ये देखिए यही तो कहता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ टी लेस देन एफ ऑफ टी कैपिटल एफ ऑफ टी लेस देन स्मॉल एफ ऑफ टी है, इक्वेशन वन अगर नॉन ऑसिलेटरी है तो 2 भी होगी, और 2 ऑसिलेटरी है तो 1 भी। तो हमारे पास अभी हमने किया डिस्कस क्लास कि इक्वेशन 2 को हमने, ये जो इक्वेशन 2 है इसे नॉन ऑसिलेटरी कर दिया बाय थ्योरम नंबर 12, ये अगर k 1/4 है तो नॉन ऑसिलेटरी, k लेस देन इक्वल टू 1/4 है नॉन ऑसिलेटरी, अदरवाइज ग्रेटर देन 1/4 के लिए ऑसिलेटरी। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या हुई बाय एलिमेंटल नॉन ऑसिलेटरी हुई, और हमें यही प्रूव करना था कि इक्वेशन 1 जो ये हमारी x डबल डैश प्लस ATXT इज इक्वल टू 1 ये क्या है नॉन ऑसिलेटरी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये तो एलिमेंट, अब हमारे पास एक और हमारे पास थ्योरम है, कहते हैं स्टेटमेंट फॉर लार्ज टी लेट ए टी बी अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर विच एफ टी एग्जिस्ट, टी की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए टी कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ टी एग्जिस्ट कर रहा है सो दैट एफ टी इज ग्रेटर देन पी इंटू टी इनवर्स वेयर पी इज ग्रेटर देन 1/4, जहां पर पी जो है 1/4 से बड़ा है, तो हमें प्रूव करना है ये इक्वेशन 1 नॉन ये ऑसिलेटरी है। अब एक फंक्शन जी टी लेट कर लेते हैं पी टी पावर -2 यानी पी बाय टी स्क्वायर, नाउ कंसीडर आयलर्स इक्वेशन जी टी की x डबल डैश प्लस जी टी एक्स टी इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पर पी बाय टी स्क्वायर है, पी कितना है गिवन है क्वेश्चन में मेरे पास कि पी जो है 1/4 से ग्रेटर है, तो आपको पता है अब इस इक्वेशन से कि पी 1/4 से ग्रेटर है तो ऑसिलेटरी, लेस देन इक्वल टू 1/4 तो नॉन ऑसिलेटरी, अब यहाँ से क्लास पी आ गया ग्रेटर देन 1/4, यहाँ से ये पी इसमें 1/t स्क्वायर में पी ग्रेटर देन 1/4 तो ऑसिलेटरी होगी। नाउ कंसिडर अब लेट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ टी कितना है आपके पास टी टी टू इन्फिनिटी जीएस डीएस, ठीक है जीएस कितना है यहाँ से मेरे पास पी बाय टी स्क्वायर, टी को चेंज कर देंगे वेरिएबल एस से क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है टी टू इन्फिनिटी है, अब पीई जो है हमारे पास क्या है एज इट इज कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा 1/s स्क्वायर का, जैसे अभी किया था 1/s स्क्वायर का कितना आया था सोल्व करके, और बाहर आपके पास 1/ इसमें तो 1/4 चल रहा है तो उसमें पी चल रहा है, तो ये सोल्व करके क्या आया था माइनस के 1/t आया था, ठीक है तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1/t, यानी कि आपके पास ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगी, पावर ये 1/t नीचे आ गई थी ना लिमिट टी टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं टी तो बाहर ही आएगा सिंस इसकी वैल्यू आ गई। अब नाउ सिंस इट इज गिवन दैट जी टी जो है आपके पास ये गिवन है एफ टी ग्रेटर देन पी टी इनवर्स है, ठीक है एफ टी इससे बड़ा है, तो इसका मतलब जो जी टी है वो भी तो इससे बड़ा होगा, ठीक है और ये चीज क्या है कैपिटल एफ ऑफ टी ये है, तो इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ टी लेस देन जी टी और लेस देन एफ ऑफ टी तो है ही यहाँ से, तो फिर एलिमेंटर लग गई, तो इक्वेशन 2 की जो आपके पास बिहेवियर है ओसिलेटरी वही 1 का होगा तो 1 ओसिलेटरी, तो 12, 13, 14 इंटरलेटेड है,
आपका होमवर्क है क्लास एम कि आपको ये वाली थ्योरम करनी है, ठीक है। थ्योरम नंबर 15, लेट at इज बी अ कंटिन्यूस फंक्शन सो दैट ft एग्जिस्ट हेयर, ft इज इक्वल टू t टू इन्फिनिटी asds फॉर ईच t एंड a स्टार गिवन है इन्फिमम। अब आपके पास इस थ्योरम में सुप्रीमम था, अब यहाँ पर लेस देन 1/4 था, इन्फिमम ग्रेटर देन 1/4 है। प्रूव करना है कि इक्वेशन x डबल डैश प्लस 18 टू xd a ऑसिलेटरी है, ठीक है। विद दिस आपका जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट जो सेकंड सेक्शन का फर्स्ट हाफ है कंप्लीट हो गया है।